नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। द बिग बॉस मराठी सीजन 2 का ये चल रहा है लास्ट मंथ, 11वें हफ्ते में पहुंच चुके हैं और 11वें हफ्ते में शुरू हो जाते हैं बड़े बड़े भवाल, यानी कि बड़ी बड़ी दोस्तियां लग जाती हैं दांव पे। और वैसा ही कुछ दिखाई दिया हमें कल के एपिसोड में शिवानी और नेहा के बीच। इसी पे चर्चा करते हैं आपके साथ और आपकी राय भी जानना चाहेंगे। मगर ये सब करने से पहले आपको करना है एक काम, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है दोस्तों और साथ में बेल आइकॉन भी दबाना है ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कल के एपिसोड में जिस तरह से शिवानी सुरवी और नेहा के बीच में लड़ाई होती है, उससे लगता है कि ये जो बात है अब कभी नहीं बन सकती इस घर के अंदर। तो दोस्तों इसी पे चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं शिवानी सुरवे के बारे में। अगर आप लोगों ने भी नोटिस किया हो तो शिवानी सुरवे एक ऐसी आग है जो कभी भी शांत होने का नाम नहीं लेती है, चाहे वो ऊपर से कितना भी दिखाए आपको कि मैं माफ कर चुकी हूँ, मैं शांत हूँ, मगर उसके अंदर वो बातें ऐसी बैठ जाती है जो कि ना सिर्फ उसे परेशान करती है बल्कि उनको भी परेशान करती है जिनके लिए वो बातें बैठी होती है। उसकी एक बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल है वीना जगताप, जिसके साथ उसकी ये एनकाउंटर हुई थी जब सेकेंड टाइम वो आई है घर के अंदर, कि वीना ने ये बात बोल दी थी कि इसके अंदर नेगेटिविटी है। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अब हर चीज में जब भी वो वीना से कोई बात को लेकर लड़ाई करती है, बहस करती है, तो ये पॉइंट आता ही आता है कि तेरे में ज्यादा नेगेटिविटी है, तूने मुझ में बोला था, बट अपने आप को देख, तू हंसती नहीं है, तू ये नहीं, वो बहुत कुछ बोलती है। खैर ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शिवानी के बारे में मैं सोच रही हूँ कि क्यों ऐसी चीजें सामने आती हैं। कल जो हुआ शिवानी के साथ उसमें शिवानी को बहुत ज्यादा बुरा लग गया, जबकि ये चीजें शिवानी खुद जब वो खुद कैप्टन थी तब कर चुकी है, बट दोस्तों कल उसको बुरा लग गया क्योंकि शिवानी की दोस्ती ऐसी है दोस्तों कि जिसमें शिवानी को सिर्फ अपना हाथ अपर हैंड चाहिए कि मैं कुछ भी बोलूं, मैं शिवानी सुरवे हूं और बाकी सब मेरे दोस्त जरूर है मगर मेरे ऊपर इस टोन में बात नहीं कर सकते हैं। ऐसी है शिवानी दोस्त, चाहे जितनी मर्जी वो अच्छी दोस्त का दावा करे मगर ये जो ऐसी दोस्ती होती है उसमें अच्छेपन की जगह नहीं है, उसमें सिर्फ डोमिनेशन की जगह है, उसमें सिर्फ ईगो की जगह है कि मैं ज्यादा आपसे सुपीरियर हूँ फ्रेंडशिप में, मैं ज्यादा फ्रेंडशिप निभाती हूँ, आप नहीं करते हो, आप नहीं लेते हो मस्ती को एज इट इज, ये सब नेहा को वो एलिगेट करती है। तो कल की बात पे आते हैं, कल होता क्या है एक्चुअली, डाइनिंग टेबल पे सब लोग बैठे हैं और नेहा शीतोले ड्यूटीज बांट रही है और यहाँ पे घर में किसी को नहीं पता है कि जो अभिजीत बिचकुले हैं वो गेस्ट हैं। अभिजीत बिचकुले मेरे हिसाब से इसीलिए टॉयलेट की जो ड्यूटी है बार बार मना कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में ये है कि मैं तो गेस्ट हूँ, मैं क्यों करूँ ये काम। अब वो इसी बिहाव पे, अगर और कोई बिहाव हो तो आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि इसी बिहाव पे वो बार बार मना करते हैं और कल भी मना करते हैं कि मैं बाकी सब कर दूंगा मगर टॉयलेट साफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पे पहले शिव भी बोलते हैं और फिर उसको भी नेहा बोलती है, फिर शिवानी भी बोलती है और शिवानी को भी नेहा बोल देती है कि तू चुप कर, मैं बात कर रही हूँ। अब ये बात शिवानी को कैसे हजम होगी, शिवानी सुरवे उसको ये बात, वो कोई और बोल दे कि तू चुप कर मैं बोल रही हूँ, और वो भी नेहा शीतोले जिसकी वो मदर फिगर बन के फिरती है कि मैं उसको कंसोल करती हूँ, मैं उसको समझाती हूँ, मैं सब चीजें करती हूँ, वो बात शिवानी सुरवे को हजम नहीं होती है और शिवानी सुरवे उठ के चली जाती है। यहाँ पे नेहा बार बार शिवानी को बुलाने की कोशिश करती है मगर शिवानी नहीं आती है। मुझे यहाँ पे ये भी पॉइंट लगा दोस्तों कि नेहा ने शिवानी पे क्यों इतना जोर से बोला कि तुम मत बोलो मैं देख रही हूँ। मुझे यहाँ पे दो चीजें लगी, एक तो नेहा को ये कैप्टनसी बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही वाद विवाद के बाद मिली, दूसरा इसमें जो अभिजीत बिचकुले था मेन पॉइंट जिसके लिए शिवानी सुरवे ने बात की थी कि मैं बात करती हूँ, अब अभिजीत बिचकुले और नेहा के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, यहाँ तक कि नेहा ने एक बार बोल दिया कि मैं इससे बात भी नहीं करना चाहती अभिजीत बिचकुले से। अब उस बंदे को डिफेंड करेगी शिवानी तो एक दोस्त को गुस्सा तो आएगा ही आएगा, उसी गुस्से में से नेहा शिवानी को बोल देती है। अब दोस्तों अब शिवानी तो चली जाती है अंदर, बार बार नेहा के बुलाने पे भी वापस नहीं आती है और वहां पे वो बोलती है नेहा जब जाती है उसके पास कि मैं तेरे से बात नहीं करूंगी,
बार बार जोर जोर से बोलती है उसको कि गॉट इट एंड पता नहीं क्या क्या उसको जोर जोर से बोलने लग जाती है। इतने में किशोरी ताई आती है, वो अपनी तरह से उसको करने की कोशिश करती है कि बच्चियां हैं कि क्यों इतना लड़ रही हैं, तो मैं इनको समझा दूं कि तुम लोग कितनी अच्छी दोस्त हो, उनकी दोस्ती को याद दिलाती है। मगर यहाँ पे शिवानी सुर्वे कुछ सुनने को तैयार नहीं है। शिवानी सुर्वे यहाँ पे नेहा को बहुत कुछ बोलती है। जैसे ही वो नेहा को ये बात बोलती है कि तूने क्या क्या किया है वो मुझे सब पता है, यहाँ पे नेहा का दिमाग भी खराब हो जाता है कि अब तू बता कि मैंने क्या क्या किया है। क्योंकि होता है दोस्तों कि एक इतनी अच्छी फ्रेंडशिप चल रही है तो वहां पे, और शिवानी सुर्वे बाहर से घर आई है, अब बाहर में वो क्या लग रही है नेहा को, ये नेहा को नहीं पता है। शिवानी सुर्वे जो भी उसको फीडबैक दे रही थी वो उसको जम रही थी, हाँ ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, तो ऑल ऑफ सडन शिवानी सुर्वे ये बात बोल देती है कि मुझे पता है तूने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे नेहा का भी दिमाग खराब होता है, वो पूछती है बार बार कि क्या क्या किया है मुझे बता। शोरी ताई फिर से आती है, नेहा को समझाती है कि आप स्पेस दो शिवानी को, इस टाइम मत बात करो, मगर नेहा वहीं की वहीं खड़ी रहती है। अब यहाँ पे दोस्तों ये बिग बॉस का घर है तो सबका दिमाग थोड़ा अलग अलग तरीके से चलता है। यहाँ पे इन दोनों को ये पता है कि ये जो पूरे के पूरे कैमराज है हमारी तरफ घूम चुके हैं, नेहा को भी पता है, शिवानी को भी पता है। अब वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म छोड़ के कैसे जाएगी नेहा, नेहा क्यों जाएगी, तो नेहा वहीं पे खड़ी रहती है। और शिवानी सुर्वे यहाँ पे बहुत कुछ बोलती है दोस्तों, यहाँ पे वो यहां तक बोल देती है कि माधव के जाने के पीछे भी तेरा ही हाथ है, यानी कि तू है मेन रीजन कि माधव बाहर गया। यहाँ पे शिवानी सुर्वे नेहा के आगे ये चीजें खोलती है कि बाहर जैसे दिख रहा है उसमें तूने जिस तरह से माधव को यूज किया है, खुद बेचारी बनी हो और माधव को विक्टिम बनाया है, वो चीजें बाहर दिख रही हैं। यहाँ पे नेहा जरूर सोचेगी कि ये चीज जो शिवानी ने बोली है अगर ये वाकई में ऐसा है तो उसको अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेट बिग बॉस में जो पर्पस है वो है ऑडियंस का दिल जीतना। तो यहाँ पे नेहा जरूर आगे सोचेगी कि इस चीज को कैसे देखा जाए। मगर दोस्तों यहाँ पे शिवानी का ये जो एलिगेशन लगाना है कि किस तरह से तू माधव को भड़काती थी और फिर माधव जो है वो बुरा बनता था और तू अच्छी बन जाती थी, तू कैमरा देख के रोती है, तू अपनी प्रोफाइल चेंज करती है कैमरा को देख के, ये सब बातें वो नेहा को बोल देती है। अब नेहा को ये बातें तो बहुत ज्यादा दिल में लग गई है। यहाँ पे मैं शिवानी को लेके एक और पॉइंट आपके सामने रखना चाहती हूँ कि शिवानी सुर्वे ने ये बातें बोली कि माधव को लेके कि तू माधव को टारगेट करती थी, माधव को कल्प्रिट बनाती थी और खुद बेचारी बनती थी, माधव बोलता रहता था और तू चुप हो जाती थी। यहाँ पे सेम चीज शिवानी सुर्वे कर रही है। शिवानी सुर्वे ने एक तरह से बताया कि नेहा तेरी गेम ये है, उसमें तूने माधव को ऐसे यूज किया, और यहाँ पे शिवानी सुर्वे खुद भी वही कर रही है कि खुद इतना बुरा बन रही है और बोल भी रही है कि यहाँ पे मैं बुरा बन रही हूँ और तू अच्छी बन रही है, तो वो बोल भी रही है फिर भी वो चीजें करे जा रही है। तो ये कौन सा रूप है शिवानी सुर्वे का कि तुमको गेम भी समझ में आ रही है, तुमको ये भी पता कि इस टाइम मैं भी वही कर रही हूँ जो माधव कर रहा था पहले, तो नेहा तो इसका मतलब सही गेम खेल रही है, गलती तो तुम लोगों की है, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो गेम को, तुम लोग बन रहे हो बेवकूफ तो बनो। तो ये नेहा की गेम है और नेहा जहां तक मुझे लगता है नेहा गेम को बहुत ही परफेक्टली खेल रही है। यही बिग बॉस का घर है, यहाँ पे ऐसे ही गेम खेली जाती है। कम से कम ये तो नहीं है कि किसी की पीठ के पीछे छुरा घूमती है, ये तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर माधव के साथ उसने दोस्ती निभाई है तो दोस्ती जहां पे उसको माधव को सहारा चाहिए था वहां पे सहारा दिया भी है नेहा ने, और नेहा की गेम बहुत ही परफेक्ट चल रही है। और ये चीज शिवानी सुर्वे को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि शिवानी सुर्वे को ये बहुत ज्यादा ईगो है कि शिवानी सुर्वे के आगे कोई भी नहीं आवाज उठा सकता। इसी चीज को लेके वो पहले भी त्रास हो गई थी, अब वही चीजें वापस आ रही हैं, क्योंकि अब दिन नजदीक आ रहे हैं फिनाले के, अब गेम और भी ज्यादा गर्म होने वाली है। और ये जो शिवानी सुर्वे ने पहले जो बोला था जब आए थे कि पिछले जब माधव था यहाँ पे, तो हम लोग जो है पुष्कर सही और लोकूट की तरह दोस्ती की एग्जांपल देंगे, तो उनकी दोस्ती में भी इन्हीं मंथ्स में लास्ट मंथ में दरार आई थी दोस्तों, बहुत बड़ी दरार आई थी, एक दूसरे के खिलाफ ऐसे तलवारें खड़ी हो गई थी कि लोगों को लगने लग गया था कि ये हो क्या रहा है घर के अंदर, इतने अच्छे दोस्त ऐसे। तो यही चीज अब दिखाई दे रही है, अब ये दोनों के बीच में जो भी झगड़ा हुआ है क्या ये दोनों की प्लान है, क्योंकि शिवानी को तो कहीं ना कहीं पता है कि मैं तो फिनाले अगर पहुंच भी गई गलती से तो मैं जीतूंगी तो नहीं, क्योंकि मैं वाइल्ड कार्ड में आई हूँ, एक डेढ़ महीना रेस्ट करके आई हूँ, और नेहा को मुझे जिताना है मेरी फ्रेंड को। तो कहीं ये चीज इनका जो है वो तो नहीं कि एक गेम प्लान है कि कैसे नेहा को आगे बढ़ाया जाए, कैसे गेम को गर्म किया जाए, कैसे अपने आप को फुटेज में लाया जाए, कैसे फुटेज खाई जाए, तो ये पूरा का पूरा गेम प्लान किसका है क्या है, आप लोग बताइए कि क्या ये वाकई में दरार है या एक गेम
का हिस्सा है शिवानी और नेहा के बीच में कि अब अगर हम ये चीज करते हैं तो एक तो टीआरपी मिलेगी, दूसरा एक चीज होगी कि नेहा और ज्यादा आगे जाएगी। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस हफ्ते नेहा तो वैसे भी नॉमिनेटेड नहीं है, नेहा तो वैसे बच गई, अगले हफ्ते के लिए और ज्यादा गेमें गर्म होंगी। ये एक बेस शिवानी सुर्वे ने बना दिया है, जिसमें उसने ये भी बोल दिया है कि अब नेहा मेरे लिए अदृश्य है, नेहा मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। तो क्या वाकई में इस बात में सच्चाई है या एक दो बड़ी एक्ट्रेसेस का ड्रामा है? आप लोग कमेंट करके बताइए और देखते रहे हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।